नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल बीरू एकेडमी पर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ, मस्त और खुशहाल होंगे। डियर, बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण शिक्षा जगत से जुड़ी हुई खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। 6800 जो शिक्षक भर्ती का मामला है वो कहीं ना कहीं डबल बेंच जाने की तैयारी है। बात करेंगे 51,000 पदों पर एक बड़ी भर्ती का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। तो आइए वीडियो पर पूरी तरीके से अंत तक वॉच कीजिएगा, एक एक डाउट आपका क्लियर करेंगे। आइए शुरुआत कर देते हैं। जितने लोग चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। डियर, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर सबसे पहली जो न्यूज लगी है वो 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लगी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है एकल पीठ के आदेश को चुनौती देंगे अभ्यर्थी। मामला डियर वही है 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6800 की एक सूची जारी की गई थी आनन फानन में, क्योंकि जो आरक्षण की विसंगतियों को लेकर के मामला हाईलाइट हुआ था और छात्रों का कहना था कि 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है लगभग ओबीसी की सीटों पर, तो उसको देखते हुए 6800 की एक लिस्ट जारी कर दी गई थी योगी सरकार के द्वारा और उनको नियुक्ति प्रोसेस जो है नहीं मिल पाया था। मामला चूंकि हाईकोर्ट पहुंच गया था और हाईकोर्ट ने 6800 की जो चयन प्रक्रिया है उसको पूरी तरीके से रद्द करने का आदेश दे दिया था। तो उसी के संदर्भ में अब ये मामला कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो डबल बेंच जाने की सोच रहे हैं। हालांकि सरकार का अभी तक डबल बेंच जाने का कोई रुख स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें बातें जो मेंशंस हैं वो यही लिखी हुई हैं। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को राजधानी में बैठक की। इसमें 15 जिलों के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने शिरकत की है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि भर्ती में आरक्षित वर्ग की 19,000 से अधिक सीटों पर आरक्षण का घोटाला किया गया है। वे लखनऊ हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश से संतुष्ट नहीं है, जल्द ही इस आदेश को डबल हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। अभ्यर्थियों ने कहा है इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल व गणेश कुमार से मिलकर के उन्हें अवगत करा चुके हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि उन्हें जैसा शासन से निर्देश मिलेगा वह उसी के अनुसार कार्य करेंगे। बैठक में पिछड़ा दलित मोर्चा, संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप इत्यादि लोग जो है इस पर मौजूद थे। देखिए डियर, मामला ये हो गया है कि जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है उसने ये कहकर ऑर्डर रिलीज किया है कि जो आरक्षण है वो सिर्फ एक बार मिलेगा, दोहरा नहीं मिलेगा। जो एटीआर 19 है जिसे हम सुपरटेट के नाम से जानते हैं डियर, अगर उसमें आपने कैटेगरी ओबीसी एससी फिल कर दी थी और आप कैटेगरी से पास हुए हैं तो आपको जर्नल में नहीं रखा जाएगा, यह हाईकोर्ट का आदेश है, बल्कि उनको उन्हीं की कैटेगरी पर रखा जाए। और इससे तो जो साथी 6800 की नियुक्ति मांगने की तैयारी कर रहे थे अभी तक चयन प्रक्रिया में, अगर हाईकोर्ट के दिए गए दिशा निर्देश से भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से रिव्यू होती है, 69,000 पूरी सीटों का कहीं ना कहीं जो रिव्यू है उसकी भी आदेश दी गई है खंडपीठ हाईकोर्ट लखनऊ के द्वारा, तो अगर वो रिव्यू होगी तो जहां पर 6800 की नियुक्ति प्रक्रिया पाने वाले छात्र थे, मैं आपको बता दूं इससे ओबीसी और एससी की और सीटें घट जाएंगी और बॉर्डर लाइन पर नौकरी कर रहे जो ओबीसी एससी के छात्र हैं उन पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। तो इसको देखते हुए जो अब छात्र हैं वो डबल बेंच की ओर जो है अग्रसर हो रहे हैं। हालांकि जब बेसिक मिनिस्टर संदीप सिंह जी से डेलीगेशन टीम मिली थी तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकार अभी डबल बेंच जाने की कोई फिराक में नहीं है, बल्कि वो सिंगल बेंच के द्वारा जो दिया गया दिशा निर्देश है, ऑर्डर है, 3 माह का उनके पास समय है, उसी के आधार पर वो पूरा जो है कहीं ना कहीं जो एनालिसिस है वो कर रहे हैं। डियर, बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं इंटर पास ही बन सकेंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका। 51,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की भर्ती का रास्ता साफ हुआ है। यहाँ पर जो न्यूनतम उम्र रखी गई है डियर वो 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम 35 वर्ष रखी गई है। जिला स्तर पर डीएम पूरी कराएंगे चयन प्रक्रिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आप अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं की भर्ती काफ़ी पेचीदा मामला बना हुआ था, एक बार विज्ञापन इसका जारी हुआ रद्द करना पड़ गया था, लेकिन अब इसका जो रास्ता है पूरी तरीके से साफ हुआ है और इंटर पास कहीं ना कहीं जो एलिजिबिलिटीज की निर्धारित कर दी गई है। 18 से 35 वर्ष की जो महिलाएं हैं पूरी तरीके से पात्र होंगी और इसमें जो चयन प्रक्रिया है इसमें वरीयता मिलेगी उसी ग्राम सभा व शहरी में उसी वार्ड की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाओं को, विधवा महिलाओं को इनको वरीयता दी जाएगी। डियर, तो आप देख सकते हैं बीपीएल ना मिलने पर गरीबी रेखा के ऊपर की महिलाओं के चयन पर विचार किया जाएगा। जो मानदेय है आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जो मानदेय 7500 है, वहीं पर मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 6000 है और सहायिका का 3750 रुपए दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं पूरी तरीके से यह 62 वर्ष तक नौकरी करेंगी। कहीं ना कहीं सरकार ने 51,000 जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया है उस पर मुहर लगा दी है और जल्द ही चयन समिति का जो गठन है वो सीडीओ और एडीएम की अध्यक्षता में जल्द ही बनेगा। डियर, बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप जानते हैं डियर कि लाखों टेट सीटेट पास युवाओं की यही पुकार,
प्राथमिक शिक्षक भर्ती दे सरकार, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे सरकार। इसके संदर्भ में कल दिनांक 23 मार्च को लखनऊ में एक बड़ा विशाल महा आंदोलन की तैयारी की गई है। निश्चित तौर पर एक बड़े प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो पिछले 4 साल से लगातार जो बेरोजगार युवा साथी हैं वो मांग रहे हैं। टेट सीटेट पास लगभग 5 वर्ष से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का लगातार इंतजार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, लेकिन योगी सरकार ने एक भी बार कभी भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं निकाल पाई है। इसे देखते हुए एक बड़े आंदोलन की तैयारी की गई है। कल आप लोग बढ़ चढ़ करके इस आंदोलन में जरूर हिस्सा लीजिए। मैं उन सभी साथियों से अपील करूंगा, चाहे वो बीएड के साथी हों या बीटीसी के साथी हों, वो सबसे पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करें, क्योंकि जब तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी तब तक आपका जो एलिजिबिलिटी का मामला है या पात्रता विवाद का, उससे कोई मतलब नहीं। चाहे ये पात्रता विवाद पूरी ज़िंदगी चलता रहे, अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी तो आप चाहे बीएड किए हों बीटीसी किए हों, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को। तो इस पर बढ़ चढ़ कर आप सभी को हिस्सा लेना है और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सरकार को कहीं ना कहीं झुकाना होगा। डियर, तो ये आज का अपडेट वीडियो था। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। कोई सवाल आपका रह गया है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।